से हो जा। दूसरा तेरे लय तो मेरी जान हूं आज रे। पीने के बाद कितनी पी ले फिर बोले को पागल है, हमें चढ़ती ना कितनी पिवाए दे हमें का चढ़ी। और अगर ज्यादा ही गुस्सा हो जाए तो गुस्सा में पी के ही बोले को कल से दारू बंद। उनको ठेका चाहे जैसे सुबह है ना ठेका ही पे हो जाए, लेकिन वो कल ऐसे बोलेंगे कल से दारू बंद, जैसे ये जीवन में छुएंगे ही नहीं। तो ये हालत होती है जंगल मोर के बिना। जेले चोर के बिना और भैया सुनिए बराएते दारू चोर के बिना। चुनर कोट बिन दूला कोट बिना, सास बहु के पचे न भोजन तमाधाई बिना, जंगल चोर के बिना, जेले चोर के बिना, भैया सुनी बराए ते दारू चोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना, लगुन नाई बिन भोग साई बिन ससुरार सारी बिना, अपनो घर ना सोवा देवे घर वाली के बिना, मोर के बिना, जेले चोर के बिना, भैया सुनी बराए ते दारू चोर के बिना। राजा जनक ने हर जगह पत्र भिजवाए हर जगह, लेकिन आप एक बात बताओ महाराज ध्यान देना, राजा जनक की जो चिट्ठी थी स्वयंवर की वो हर जगह गई थी लेकिन एक जगह नहीं गई। वो कौन सी जगह थी? अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ पर राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी, अवधपुरी में। कारण ये था कि एक समय ये जो राजा जनक हैं ये बहुत विद्वान हैं, तो शनि महाराज और राजा जनक में एक बार सत्संग हुआ। तो सत्संग में शनि महाराज ने राजा जनक को देखा कि ये बड़े विद्वान हैं, चर्चा तो कर ली ऐसा न हो कि ये हमें हरा दे। तो वही हुआ, राजा जनक ने शनि महाराज को सत्संग में हरा दिया। अब शनि चिढ़ गए, इतने चिढ़े कि महाराज राजा जनक के एक बाग था जिस बाग में रोज ताजे फूल आते थे, उस बाग में कुदृष्टि डाल करके राजा जनक के बाग को फूलों से राख बना दिया। जब राख का ढेर बन गया, तो राजा जनक को बड़ी परेशानी हुई, क्या करें कहां जाएं, हर जगह पत्र भिजवाए गए, बोले कोई यत्न हो वो करो।
तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी आए। एक संत ने जवाब दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले और बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। अब सबने वही काम किया। कोई अगर धागा बांधता है घड़े में तो घड़ा फूट जाता या फिर धागा टूट जाता। तो एक पत्र राजा जनक का पहुंचा राजा दशरथ के यहाँ। राजा दशरथ ने विचार किया कि जब इस काम को बड़े बड़े विद्वान और संत नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे। तो महाराज एक कमरे में लेट गए। 7 दिन हो गए। 7 दिन लगातार मैया कौशल्या भोजन लेके जाती। राजा ने थाली तो रखवा लेते राजा, लेकिन ये बोल देते कि तुम जाओ मैं खा लूंगा। कौशल्या चली आती। अब कछु दिन बीते। 8वें दिन एक मेहतर आया। 8वें दिन एक मेहतर आया राजा दशरथ के यहाँ। मैया कौशल्या से कहा, माँ। बोले, जी महाराज कहाँ हैं। बोले, अंदर हैं। पता नहीं 7 दिन हो गए। 7 दिन में अभी तक बाहर नहीं निकले। मैतर बोला, बस हमें पता बताओ है कहाँ, सीधे चले जाओ अंदर है। अब मैतर अंदर पहुंचा। राजा दशरथ से कहा, महाराज प्रणाम करता हूँ। बोले, खुश रहिए। मैतर ने सीधा प्रश्न कर दिया कि ये बताइए महाराज, आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया। अब राजा तो इतनी चिंता में कि हमारी घरवाली को पता ना है कि हमने भोजन करो या ना करो, लेकिन ये मैतर बता रहा है कि हमने 7 दिन से भोजन नहीं किया तो इसको कैसे पता। तो चिंतित हैं। बोले, तुझे कैसे पता कि मैंने भोजन नहीं किया, मैं तो बराबर भोजन कर रहा हूँ। बोले, नहीं महाराज, आप झूठ मत बोलो, आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया। तुझे कैसे पता। बोले, हमें ऐसे पता है कि जा दिन से हम समझदार हुए और समझदार हुए तो तुम जब जब भोजन करते हो तब तब मेरी मैया आपकी जो जूठन है थाली में जो आप छोड़ते थे वो जूठन हमारी मैया लेकर के हमें देती थी। जो जूठन होती थी वो मैया हमें देती थी। आज 7 दिन है गए, हमारी मैया ने हमें जूठन नहीं दी। जाको मतलब जे है महाराज के आपने 7 दिन से भोजन नहीं करो। अब कारण बताओ कि भोजन करो काय को ना। बोले, भोजन किया क्यों नहीं। तो पूरी बात बताई कि हे भैया, कछु मत पूछे, कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के बाग में छिड़काव करना है और जब कोई नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूंगा। मैतर बोला, खड़े हो जाओ। बोले, क्यों। अरे खड़े हो जाइए और उठ के भोजन करो। राजा ने भोजन किया। अब बोले, जो जूठन छोड़ते थे ना वो छोड़ो। राजा ने जूठन छोड़ी। वही मैतर ने वो जूठन खाई, ऊपर से पानी पिया और जवाब दिया, आप यहीं रहो, मैं जाता हूँ। मैतर पहुंचा, बुजुर्गों कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के, एक घड़ा नहीं 10 घड़े मैतर ने निकाले और एक बात कही कि अगर मैंने राजा की जूठन के अलावा किसी और का अन्न न खाया हो तो ये घड़े बराबर भरते हुए आएंगे।